हम बात करेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर जो बहुत आता है। तो दोस्तों, मास गेनर लेना सही है या गलत? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स लव फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल ही परिवार है हमारा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास गेनर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर मास गेनर रखे हुए हैं, टॉप 3 मास गेनर्स, जिसमें लवराडा है, स्टार एक्स पावर मास गेनर है, मसल टेक मास टेक है। पर आज हम इनके बारे में किसी भी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। लवराडा मास गेनर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, स्टार एक्स मास गेनर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, मसल टेक मास टेक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर जो बहुत आता है, और बहुत बार आप जो है उस चीज़ को लेकर ना काफ़ी बार आप नाराज भी हो जाते हैं कि मतलब मेरे ट्रेनर ने तो ये बोला है या मेरे जानने वाले ने तो ये बोला है। तो इस टाइप में आप भौशन करते हैं मास गेनर को लेकर। तो दोस्तों, मास गेनर लेना सही है या गलत, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मास गेनर होता क्या है और ये किसके लिए बनाया जाता है, चाहे कोई भी कंपनी सही किस पर्पज़ से मास गेनर बना रही है, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। और बाकी उस टॉपिक पे भी आएंगे कि भाई आपके जो है ट्रेनर या आपके जानने वाले, आपके जो है वेल विशर, मना क्यों करते हैं मास गेनर को लेकर। देखो दोस्तों, मास गेनर मतलब एक हाई कैलोरी फूड सप्लीमेंट है। मास गेनर मतलब एक कंप्लीट मील है, मतलब एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर आपको कंप्लीट मील मिल जाएगी। मतलब उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फैट मिलेगा, विटामिन्स मिनरल्स सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब एक कंप्लीट थाली भरा हुआ खाना। नो डाउट इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं कहूँ तो मास गेनर में 60-70% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बाकी फिर बाद में प्रोटीन, विटामिन मिनरल, फैट का नंबर आता है। अब दोस्तों, मास गेनर को आप समझ गए, एक हाई कैलोरी फूड जो आपको बहुत कैलोरीज देगा, मे बी शायद इतनी कैलोरीज आप अपने खाने से भी ना कवर कर पाएं एक बार के खाने से, जितना आप एक बार के मास गेनर से कवर कर सकते हैं। तो आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा देगा, प्लस में उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नो डाउट आपको ज़्यादा पोर्शन में मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि मास गेनर बनाया क्यों जाता है। देखिए, जितने भी दुबले पतले हैं, जिनकी बॉडी मतलब इजीली गेन नहीं कर पाती है, और बिल्कुल समझ रहे हैं ना, वो 40-45-42 किलो वाले जो बंदे होते हैं, मतलब शरीर भी बिल्कुल ऐसा जैसे हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं इस टाइप का जिनका शरीर होता है। और प्लीज़ आप बुरा ना माने, मैं ये मतलब जो है नॉर्मली बता रहा हूँ जो मेरे सुनने में आता है, और आप भी इस चीज़ को फील करते होंगे अगर आपका शरीर पतला है। तो काफ़ी बार उनको जो है चढ़ाया भी जाता है, और कोई भी कपड़े पहने तो वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये मास गेनर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उन लोगों के लिए बने होते हैं। इस बॉडी टाइप को बोलते हैं हम एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप। इस वाले बॉडी टाइप में मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट होता है, इसलिए इजीली जो भी हम खाते पीते हैं वो शरीर में लगता नहीं है। लगने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी उसका कंजप्शन बहुत जल्दी कर जाती है, हम चाहकर भी कैलोरी सरप्लस पे नहीं रह पाते हैं। और प्लस में सोने पे सुहागा ये होता है कि उनको भूख भी बहुत कम लगती है, भूख भी इजीली नहीं लग पाती है। तो इसलिए अब उनके लिए बनाया गया है मास गेनर। क्यों बनाया गया है उनके लिए? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि इसमें हाई कैलोरीज होती हैं, मतलब कैलोरीज आपको ज़्यादा मिलेंगी जो कि आपकी कैलोरी सरप्लस में रहने में मदद करेंगी। और जब आप कैलोरी सरप्लस पर रहेंगे तो आपकी बॉडी इजीली गेन कर पाएगी। देखो, वजन घटाना, वजन बढ़ाना, दो ही इसके मंत्र हैं। बढ़ाने वाले के लिए उसको कैलोरीज सरप्लस पे रहना है, फॉर एग्जांपल उसको बॉडी में कैलोरीज की जरूरत है 1800, एक एग्जांपल है, हर किसी की नीड अलग होती है। तो उसको 1800 से ज़्यादा कैलोरीज लेनी है। अब वो 1800 से जितनी ज़्यादा कैलोरीज लेगा, लाइक अगर वो लेता है 2000 कैलोरीज, तो उसकी बॉडी ग्रो करेगी एक स्पीड में, धीरे स्पीड में। और लाइक अगर वो लेता है 1800 से ज़्यादा 2500 कैलोरीज, तो स्पीड और तेज़ हो जाएगी, 2800 कैलोरी स्पीड और दे जाएगी। तो मतलब 1800 से ज्यादा, जितनी ज्यादा आप कैलोरीज लेंगे उतनी स्पीडली आपकी बॉडी वेट पुट ऑन कर पाएगी। सेम मंत्र होता है वेट लॉस वालों के लिए, जिनको वेट लॉस करना होता है उनको कैलोरीज डेफिसिट पे रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1800 की नीड है तो वो 1700 लेंगे तो वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल फंडा है। पर यहां पर स्किनी बॉडी वालों के लिए परेशानी होती है कि वो एक तो खा नहीं पाते इतना ज्यादा, दूसरा क्या है कि उनका मतलब जो है ना, जो भी वो खाते हैं वो इजीली मतलब शरीर में लग नहीं पाता है। तो इसलिए मास गेनर उनके लिए बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके किसी जानकार ने, आपके किसी ट्रेनर ने क्यों मना किया मास गेनर लेने के लिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका बॉडी वेट जो है वो ठीक ठाक हो, मतलब ज़्यादा कम ना हो, आपका शरीर दिखने में ठीक ठाक लगता हो, उसके बाद आप मास गेनर की डिमांड करते हैं
तो भाई हर कोई मना करेगा, मैं भी मना करूंगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी जिनमें मेरे पास बहुत सारे भाई आते हैं जिनका वेट ठीक होता है, मैं उनको मना करता हूं मास गेनर के लिए, क्यों मास गेनर उनके लिए नहीं है। अब अगर मैं अपनी बात करने लगूं, मेरी बॉडी इजीली गेन कर जाती है, अगर मैं कल को मास गेनर लेने लगूं तो भाई मेरे को बॉडी में फैट ही आएगा, नुकसान ही करेगा मास गेनर, मुझे फायदा नहीं करेगा। इसलिए मास गेनर लेने से पहले आप अपनी बॉडी टाइप को जाने, आप देखें कि आपका वजन कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपका वजन है 5'8", आपका बॉडी वेट है 45 या 50 या 52 और शरीर है दुबला पतला, खाते पीते भी हैं पर इजीली नहीं लग पा रहा है, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, खाने की भी कोशिश करते हैं ज्यादा खाते भी हैं स्टिल वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो दोस्तों उस वाली कंडीशन में मास गेनर ही आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि उस वाली कंडीशन में आपको कैलरीज सरप्लस पे रहना है, आपको ज्यादा से ज्यादा कैलरीज की नीड है। और उस वाले पॉइंट से मतलब अगर आपको वजन बढ़ाना है, शरीर भरना है और आप ले लेते हैं प्रोटीन, भाई किसी ने, किसी वेल विशर ने या किसी ने भी, मैं कह रहा हूं ट्रेनर, आपका दोस्त वेल विशर, कोई भी आपसे कह रहा है कि आप तू मास गेनर मत ले, तू प्रोटीन ले, क्योंकि मास गेनर मत ले भाई, मास गेनर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, मास गेनर में प्रोटीन होता ही नहीं है, भाई प्रोटीन तू ले ले, डाइट से कवर कर लियो कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों मैं लिख कर दे रहा हूं, आप प्रोटीन खा लो, आपको रिजल्ट नहीं आने वाले, क्योंकि प्रोटीन वजन बढ़ाने के लिए नहीं, मसल बिल्डिंग के लिए होता है। और जब वजन ही तुम्हारा 45-50 किलो है तो भाई पहले शरीर को थोड़ा भर लो ताकि तुमको थोड़ा मोटिवेशन आए। कार्बोहाइड्रेट डाइट से कवर कर सकते हो, पर आप डाइट तो ऑलरेडी जितनी खा सकते हो खा रहे हो ना, नहीं कवर कर पाओगे आप। इसलिए स्टार्टिंग में मास गेनर लेना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रोटीन ले लो, ले लो प्रोटीन, प्रोटीन के आप 10 डिब्बे खा लो, आपको रिजल्ट ना के बराबर आएंगे, क्योंकि उस वाली कंडीशन में जब वजन होता है ना 50 किलो तो बिल्कुल दिमाग में ये रहता है कि यार कुछ भी हो जाए बॉडी में बस किसी तरीके से फुलावट आए, बॉडी किसी तरीके से भरे ताकि जो कपड़े में पहन रहा हूं वो अच्छे तो लगे। उस वाली कंडीशन में आपने किसी के कहने पर प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे और एट द एंड आप 2-5 महीने प्रोटीन खाने के बाद आप पता है क्या कहोगे, आप कहोगे भैया मुझे ना लेने सप्लीमेंट, इनसे कुछ होता ही नहीं है, ये कहोगे आप। दोस्तों कोई भी सप्लीमेंट गलत नहीं होता है, बस आपकी बॉडी क्या है आप अपने आप से पूछें। आपको भी समझ नहीं आ रहा है आप सप्लीमेंट्स वाला से पूछें, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा गोल है आपको सही सलाह देना। अगर मास गेनर की नीड है मास गेनर दूंगा, प्रोटीन की नीड है प्रोटीन दूंगा। आप हमसे शेयर कीजिए कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, मैं आपको बताऊंगा क्या लेना चाहिए। तो मास गेनर गलत नहीं है, और मैं ये कह रहा हूं कि जिनका वेट ठीक है उनके लिए मास गेनर सही नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूं। जिनका वेट ठीक है भाई 5'8" हाइट है, वजन है जी 67 किलो, वो मास गेनर ले, ओ भाई नहीं लेना उसको मास गेनर, उसके लिए मास गेनर गलत है। पर जिसका वजन 50, 45, 52 किलो है ना, उसके लिए मास गेनर ही सही चीज है। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, मास गेनर कोई भी ले आप, मास गेनर कभी भी परमानेंट नहीं लेना चाहिए, मतलब हमेशा की चीज नहीं है मास गेनर। भाई आपका वजन था 50 किलो, आपने मास गेनर लिया, लाइक मैं कहता हूं 2 बार ले लिया, आपका वजन हो गया 62-63-65, भाई मास गेनर को टाटा बाय बाय, क्योंकि अब करनी है मसल बिल्डिंग, एक तरीके से लेवल में आ गया शरीर, भरा भरा शरीर हो गया है, अब नहीं चाहिए मुझे, अब प्रोटीन लूंगा मैं। और ये भी चीज ध्यान रखना कि मास गेनर के रिजल्ट ज्यादा होते हैं, मतलब फास्ट होते हैं कंपेयर टू प्रोटीन, क्योंकि वजन बढ़ाना घटाना एक इजी स्टेप है और मसल बिल्डिंग करना एक लॉन्ग प्रोसेस है। पर भैया जिसका वजन कम है उसको वजन ही बढ़ाना है, किसी तरीके से शरीर भरना है, ये मैं जानता हूं। तो इसलिए अगर आपका वजन कम है, दुबला पतला शरीर है, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पा रहा है, तो आपको मास गेनर ही लेना चाहिए। पर एक चीज ध्यान रखना, मास गेनर ओरिजिनल वाला लेना है आपको, वो वाला नहीं जो गाल फुला दिया, पेट निकाल दिया, भूख बढ़ा दी, छोड़ते सब कुछ खत्म, वो वाले मास गेनर नहीं, 500 रुपये किलो वाले, 1000 रुपये किलो वाले वो मत लेना, क्योंकि वो नुकसान करेंगे। ओरिजिनल मास गेनर लो, मैं ये कह रहा हूं, कोई भी ब्रांड लो, आप लबराडा लो, ऑन सीरियस मास लो, आप स्टारएक्स लो, आप मसल टैक लो, कोई भी ब्रांड लो आप यार, पर उसको ओरिजिनल लो, और ओरिजिनल मास गेनर्स मिलेंगे आपको सप्लीमेंट्स विला पर, क्योंकि आज पूरे इंडिया का विश्वास है सिर्फ सप्लीमेंट्स विला। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर मास गेनर लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या लेना चाहिए सप्लीमेंट, आप सप्लीमेंट्स विला से पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, और कभी भी मिसगाइड नहीं, हमेशा ट्रूली गाइडेंस। सप्लीमेंट की जरूरत है तो दूंगा, वरना नहीं, वरना बहुत सारी वीडियोस आप देख भी सकते हैं, कितने सारे भाई आते हैं जिनको मतलब पैसे लेके आते हैं 10-15 हज़ार में, उनको वापस भेज देता हूँ इसीलिए,
क्योंकि भैया आपको सप्लीमेंट की अभी नीड नहीं है, आप पहले ये करो वो करो जो भी उनके लिए सुटेबल एडवाइस होती है। तो इसलिए दोस्तों मास गेनर बहुत अच्छी चीज़ है स्किनी बॉडी वालों के लिए, पतली बॉडी वालों के लिए इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है उनके लिए, तो लीजिए मास गेनर वजन बढ़ाने के लिए। और मास गेनर ओरिजिनल वाले मास गेनर, इनसे जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा और साइड इफेक्ट कभी कुछ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मास गेनर को लेकर आपके दिमाग में से जो मिथ थे वो निकल गए होंगे, और फिर भी कुछ क्वेश्चन है आपके मन में कमेंट करके पूछो, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। कोई भी मास गेनर, कोई भी सप्लीमेंट आपको चाहिए ओरिजिनल वाला, तो कॉन्टैक्ट करना है आपको सिर्फ सप्लीमेंट फिला से, क्योंकि पूरे इंडिया का विश्वास है आज सिर्फ सप्लीमेंट फिला। तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, supplementsala.com भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो जुड़े supplementsala से, वीडियो चली तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए। आज के वीडियो में किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।